मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में 31st को लेकर जहां तमाम तरह के पब बार को लेकर सामाजिक संगठन नए वर्ष 2024 के आगमन की तैयारी और जश्न में जुटे हुए हैं, वहीं पर सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस के द्वारा कई तरह की तैयारियां की गई हैं, जिसमें मुख्य रूप से पब व बार के बाहर यहां पर पुलिस सादी वर्दी में तैनात रहेंगे, महिला पुलिसकर्मी भी तैनात रहेगी, साथ ही ड्रोन से भी यहाँ पर नजर रखी जाएगी। दरअसल नववर्ष की शुरुआत को लेकर यहाँ पर युवाओं में खासा उत्साह रहता है, कई स्थानों पर छोटी मोटी पार्टियां आयोजित की जाती है, पार्टियों में उत्पाद को रोकने के लिए पुलिस के द्वारा लगातार तमाम तरह की व्यवस्था की गई है। वहीं पर व्यवस्थाओं को लेकर डीसीपी अभिषेक आनंद का कहना है कि क्षेत्र में तमाम पब बार को लेकर होटल संचालकों की लेकर पहले ही बैठक ली जा चुकी थी, वहीं पर गाइडलाइन सुनिश्चित की गई है। वहीं पर पार्टी आयोजित जहां पर भी की जाएगी वहां पर महिला सुरक्षा को लेकर सादी वर्दी में महिला पुलिसकर्मी तमाम स्थानों पर तैनात रहेगी, ताकि पार्टी में किसी भी तरह का कोई उत्पात ना मचा सके। यदि कहीं पर भी ऐसी घटना की सूचना आती है तो विशेष टीम को गठित किया गया है और तुरंत वहां पर पहुंचेगी और उत्पाद करने वाले व्यक्तियों को पकड़ा जाएगा। साथ ही क्षेत्र में निगरानी रखने के लिए यहां पर पुलिस सरकारी ड्रोन से भी नजर रखेगी। निजी कंपनी से यह ड्रोन का टाइप किया गया है और लगातार इसका सफल परीक्षण भी हो चुका है। ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर 20 से 22 स्थानों पर विशेष चेकिंग अभियान भी चलाया जाएगा। वहीं पर अन्य तरह के चेकिंग अभियान पूरे 31st पर सुरक्षा पहरे के मद्देनजर यहां पर चलते रहेंगे। फ्लाइंग स्क्वाड की टीम भी जगह जगह तैनात रहेगी। वहीं पर अधिक शोरगुल और ध्वनि प्रदूषण जहां पर भी होगा वहां पर विधि पूर्वक कार्रवाई भी की जाएगी। खैर, पुलिस और प्रशासन ने 31st के उत्साह के माहौल को शांति और सद्भावना के साथ संपन्न कराने के लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं अपनी ओर से कर रखी है। देखिए, 31 दिसंबर के संबंध में जो हमने तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी, इसमें पब बार वाले जो संबंधित हैं, उसके अलावा होटल वाले, रिसॉर्ट्स वाले, इन सब की मीटिंग ली गई थी। पब बार वालों को कंट्रोल में बुलाया गया था, इसके अलावा बाकी होटल रिसॉर्ट्स इन सब को संबंधित थाने पे बुलाया गया था, उनको मीटिंग लेके बता दिया गया है। एक तो समय सीमा का पालन करने के लिए उनको सबको बताया गया है, जो भी शासन जो समय तय करेगी लाइसेंस की, उस सीमा के तहत उनको उनको सख्त निगरानी रखी जाएगी और उस समय सीमा का पालन करवाया जाएगा। दूसरा जो है, उनके जो भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसके संबंध में पहले उनको निर्देश दिया जा चुका था, तो सभी इवेंट्स अनुमति के साथ ही वो ऑर्गेनाइज करेंगे, बिना अनुमति के कोई भी इवेंट वो ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, इसके संबंध में भी बताया जा चुका है। इसके अलावा जो कई बार जो है महिलाओं की सुरक्षा हमारी एक विशेष प्रायोरिटी रहती है हमारे हमेशा, इसमें महिला बल भी रखा जाएगा, हम लोग सादी वर्दी में महिलाओं को रखेंगे जो, और रिजर्व फोर्स है उसको पूरा डिप्लॉय किया जाएगा। इसके अलावा हमने एक नई इनिशिएटिव स्टार्ट की है, इसमें ड्रोन से हम लोग पूरा सर्वेलेंस रखेंगे, जिसका ट्रायल रन कर किया गया था, तो इसमें पूरे जो विजयनगर, लसुड़िया, खजराना, कनाडिया, इसके जो एरिया हैं, खास करके विजयनगर का जो एरिया है और उसमें जो मॉल और उसके आसपास के, उन सब में जो ड्रोन का सर्वेलेंस रखा जाएगा, ताकि किसी तरह की कोई भी अगर भीड़ इकट्ठा होती है, किसी तरह की कोई घटना होती है, तो तत्काल जो है पुलिस रिस्पॉन्ड कर पाए। और ये सब हमारी जो है मुख्य जो व्यवस्था इस बार 31st को लेकर। महिला पुलिसकर्मी, हाँ बिल्कुल, इसमें जो है हमने इस बार ये भी प्रयास रहेगा कि महिलाओं को सुरक्षा को लेकर किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज ना हो, तो इसलिए हमने महिला जो बल है इस वर्दी में रहेंगी, इसके अलावा कुछ पॉइंट्स पे हम लोग जो सादी वर्दी में भी महिला पुलिस को रखेंगे, ताकि जो है किसी तरह की कोई घटना न हो। ये पूरा फोकस जो है, जैसा कि मैंने बताया कि हमें ड्रिंक एंड ड्राइव पे जो है पुलिस काफी सख्त रही, काफी कार्रवाइयां पिछले 3-4 महीनों में ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ हुई है, तो हमने जो सभी थानों ने, खास करके विजयनगर, लसुड़िया, खजराना, कनाडिया, इन्होंने पॉइंट्स चिन्हित किए हैं, उन पॉइंट्स पे पुलिस बल तैनात किए जाएंगे, साथ ही वहाँ पे स्टॉपर बैरिकेड वो ऑलरेडी लगा लिया गया है, तो वहाँ पे ड्रिंक एंड ड्राइव जो पुलिस जो है POS मशीन और जो है ब्रेथ एनालाइजर उसके साथ पूरी इक्विप्ड रहेगी बॉडी वॉर्न कैमरा के साथ, तो ताकि इस तरह की कोई भी उधम भाजी की घटनाओं को उसको बिल्कुल कम किया जाए। अभी टाइम के संबंध में हमको जो अभी जो टाइम का निर्देश है वो 12 बजे का अमुनता रहता है, अगर उनको किसी तरह का जो नियम अनुसार जो है उनको अगर कोई रिलैक्सेशन दिया जाएगा तो जो भी टाइम रहेगा, समय रहेगा, उसका पालन करवाएगा। मुख्यमंत्री ने साउंड को लेकर निर्देश दिए, तो साउंड को किस तरह से पालन कराया? देखिए, साउंड को लेकर के एक नॉइज पॉल्यूशन को लेकर के जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है उसके तहत फ्लाइंग स्क्वाड बनाई गई है। फ्लाइंग स्क्वाड में जो प्रशासन है उसके भी सदस्य है हमारे यहाँ, उसके अलावा जो संबंधित थाने के स्टाफ भी है,
इसके अलावा नॉइज पॉल्यूशन बोर्ड से जो जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वहाँ उसके भी सदस्य भी हैं। तो सभी जो फ्लाइंग स्क्वाड जो है वो कार्रवाई के लिए रहेगी और जो भी अगर कोई उल्लंघन करती है मापदंडों का तो उस पर जो वैधानिक कार्रवाई की। सर निगरानी के लिए कुल मिलाकर पुलिस प्रशासन द्वारा कितने ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है? जैसा मैंने बताया कि पुलिस विभाग की अपनी एक ड्रोन रहती है तो पुलिस विभाग की ड्रोन तो रहेगी। इसके अलावा इस बार हमने एक एक्स्ट्रा इनिशिएटिव लिया है, प्राइवेट सेक्टर जो है उनसे बात करके उनके जो ड्रोन उनके एक ड्रोन वो भी रहेंगे और जो पुलिस के प्रशासन के वो ड्रोन है वो भी रहेंगे, तो जिससे हम पूरी इफेक्टिवली मॉनिटरिंग कर पाए। ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।